हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं संधि पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करिएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि दो शब्दों के मेल से बना है, सम धन धि, जिसका अर्थ है मेल। जब दो अक्षर मिलकर तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं तो इस विकार अथवा परिवर्तन को संधि का नाम दिया जाता है। उदाहरण है विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, रामधन अवतार बराबर रामा अवतार, सतधन जन सज्जन, समधन तोष संतोष। यहाँ जो है त के नीचे हलंत दिया हुआ है तो उसको हम आधा त मानेंगे। इसी तरह सम के यहाँ भी म के यहाँ जो है हलंत दिया हुआ है तो उसको भी आधा म ही मानेंगे। अब देखिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हुआ है। मेल की इस प्रक्रिया से नवीन शब्दों की रचना हुई है, जैसे विद्यालय, राम अवतार, सज्जन, संतोष इत्यादि। इस मेल के कारण इन ध्वनियों में जो परिवर्तन घटित हुआ है वही संधि है। अब देखिए संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि के नियमों के अनुरूप मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दें तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। अब देखिए संधि का महत्व। संधि करने व संधि विच्छेद क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। संधि के भेद। संधि के तीन भेद पाए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होते हैं और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं। जैसे सत्यधन अर्थी बराबर सत्यार्थी, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र। अब दूसरा है आपका व्यंजन संधि। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तो इनके परस्पर मेल से व्यंजन संधि होती है। जैसे दिक धन गज बराबर दिग्गज, जगत धन ईश जग दीश। तीसरा है विसर्ग संधि। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उनसे होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह धन गुण बराबर दुर्गुण, मनह धन रथ बराबर मनोरथ।